CIET -E presents Trilingual Dictionary of Geography for Schools Bhugol Vidyalayon ke liye tribhashi shabd kosh Geography lugat schoolon ke liye सहलसानी. Index letter S Sand page 106 Sand dune page

Scale. Page one hundred seven. Scattered settlement. Page one hundred seven. Schist. Page one hundred seven. Scrub. Page one hundred eight. Sea. Page one hundred eight. Sea arch. Page one hundred eight. Sea breeze. Page one hundred eight. Sea cave. Page 108. Sea Cliff. Page 108. Season. Page 109. Seasonal Winds. Page 109. Secondary Activities. Page 109. Sedentary Agriculture or Settled Agriculture. Page 109. Sedimentary Rocks. Page one hundred nine. Sediments. Page one hundred ten. Seismograph. Page one hundred ten. Sericulture. Page one hundred ten. Settlement. Page one hundred ten. Sex ratio. Page one hundred ten. Shaft mine. Page one hundred ten. Shale. Page one hundred ten sheep station page 111 sheet erosion page 111 shelter belts page 111 shore page 111 shifting agriculture or cultivation page 111 shivalik hills page 111 Sial

Page one hundred fourteen. Stacks. Page one hundred fifteen. Stalactites and stalagmite. Page one hundred fifteen. Standard deviation. SD. Page one hundred fifteen. Star. Page one hundred fifteen. Starvation. Page one hundred fifteen. Steppy. Page one hundred sixteen. Stock. Page one hundred sixteen. Storm. Page one hundred sixteen. Stratocumulus clouds. Page one hundred sixteen. Stratopause. Page one hundred sixteen. Stratosphere. Page one hundred sixteen. Stream. Page one hundred sixteen. Subcontinent. Page one hundred sixteen submarine canyon page 117 subsidence page 117 subsistence agriculture page 117 subsurface flow page 117 subtropical jet stream page 117 subways page 117 summer solstice page 117 Sun Page 117 Sustainable Development Page 117 thinkline Page 118 Now let's move to letter S of the Dictionary of Geography, starting at page 106 S Sand. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक विद अ ग्रेन साइज रेंजिंग बिटवीन 0.06 एंड 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, बिटवीन सिल्ट एंड ग्रेवल कंपोज्ड लार्जली ऑफ कॉट्स बालू चट्टानों के छोटे कण जिनके दानों का आकार 0.06 तथा 2 मिलीमीटर व्यास के बीच चीका और बजरी के बीच का होता है जो अधिकांशतः स्फटिक से बने होते हैं रेत चट्टानों के छोटे जरात जिनके दानों के साइज का कतर सिफर आषार या सिफर छे से दो मिलीमीटर गाद और बजरी के दरमियान होता है और ज्यादातर संगे मुर्दा या क्वार्ट्स का बना होता है सैंड ड्यून सी ड्यून बालू के टिब्बे देखें टिब्बे रेत का टीला देखें ड्यून सैंडस्टोन अ टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक चीफली फॉर्म्ड ऑफ सैंडग्रेन्स व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ कॉट्स एंड फेल्सपा एंड नेचुरली सीमेंटेड बाय कैलकेरियस एंड सिलीशियस मटेरियल्स एंड कॉम्पैक्टेड बाय प्रेशर बलुआ पत्थर अवसादी शैलों का एक प्रकार जो मुख्यतः बालू के कणों से बनी होती है ये बालू के कण स्फटिक और फेल्सपार से बनते हैं और प्राकृतिक रूप से चूना तथा सिलिकन पदार्थों से जुड़े हुए होते हैं और दबाव के कारण सहत होते हैं बलुआ पत्थर रसूबी चट्टान की एक कस्म जो बिलखसूस रेत के जरात से बनी होती है जिसमें संगी मुर्दा और फेल्सपार शामिल होते हैं और कुदरती तौर पर चूना और सिलिका के मादों से मिलकर दबाव की वजह से ठोस हो जाती है सेलिनिटी द डिग्री और एक्सटेंड टू विच डिजोल्व सॉल्स आर प्रेजेंट इन वॉटर विच इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर थाउजेंड ग्राम्स और पार्ट्स पर थाउजेंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज डिग्री बाय जीरो जीरो नॉर्मली सी वॉटर हैज एन एवरेज सेलिनिटी ऑफ थर्टी फाइव डिग्री बाय जीरो जीरो लवणता घुले हुए लवण की वह मात्रा जो जल में उपस्थित होती है जो ग्राम प्रति हजार ग्राम या भाग प्रति हजार में मापी जाती है यह डिग्री बटा शून्य शून्य में व्यक्त की जाती है सामान्यतः समुद्र जल की औसत लवणता 35 डिग्री बटा शून्य शून्य होती है नमकीनियत पानी में महलूल नमक का दर्जा या मकदार जिसकी पैमाइश फी हजार ग्राम में या फी हजार हिस्से में की जाती है इसे पैतीस डिग्री बटा सिफर सिफर से जाहिर किया जाता है आमतौर पर समंदरी पानी में औसतन 35 डिग्री बटा सिफर सिफर होती है सेलनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ अक्यूमेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम पोटैशियम एंड सोडियम इन वाटर इन द अपर पार्ट ऑफ सॉइल इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बींग हायर दैन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन लीड्स टू डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट इवन एक्सेस इरीगेशन इन हॉट ड्राई क्लाइमेट मेक ऑसिनाइजेशन लवणी भवन जल में या मृदा के ऊपरी भाग में मैग्नीशियम पोटैशियम और सोडियम के लवणों के जमा होने की प्रक्रिया शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण की दर वर्षण की दर से अधिक होती है जो लवणों के जमाव में सहायक होती है उष्ण शुष्क जलवायु में अत्यधिक सिंचाई भी लवणी भवन का कारण होता है अमले नमकीनियत पानी में या मिट्टी के ऊपरी हिस्से में मैग्नीशियम पोटासियम और सोडियम के नमकों के इकट्ठा होने का अमल खुश्क और नीम खुश्क खत्ों में शरह तरसीब की बनस्पत शरह तबखीर के ज्यादा होने की वजह से नमकीन का जमाव ज्यादा होता है कि गर्म व खुश आबो हवा में ज्यादा आबपाशी से भी नमकीनियत का अमल हो सकता है सोल्ट मूवमेंट ऑफ हैॉक पार्टिकल्स रनिंग वाटर सिंस दीज पार्टिकल्स कैन नॉट रिमेन सस्पेंडेड फॉर लॉन्ग दे मूव बाय बाउंसिंग ऑफ द ग्राउंड और अलोंग द बेड ऑफ अ रिवर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलटेयर मीनिंग टू जंप। वलगन भारी शैल कणों का खिसकाव जो पवन या वाह जल द्वारा ले जाई जाती है ये कण लंबे समय तक निलंबित लटके नहीं रह सकते हैं इसलिए ये जमीन पर या नदी तल पर लुढ़कते हुए चलते हैं यह लैटिन शब्द सोल्टेर से लिया गया है जिसका अर्थ है कूदना या उछलना जिस्तगी हवा या बहते हुए पानी के जरिए लाए गए भारी चट्टानी ज़र्रात की हरकत क्योंकि ये ज़र्रात ज्यादा देर तक मोलक नहीं रह सकते इसलिए वो जमीन पर या नदी की तह पर छलांग लगाते हुए हरकत करते हैं ये लातीनी लफ्ज सॉल्टेर से माखूज है जिसका मतलब है कूदना सैटेलाइट रिलेटिवली स्मॉल स्फ़ेरिकल हेवेनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स एंड फॉलोज इट इन इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एग्जाम्पल द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड सैटेलाइट रिफर टू स्पेस व्हीकल्स हाउसिंग various साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स which are placed into the earth's orbit to टू कलेक्ट अ of ऑफ example insat series for सीरीज फॉर and communication एंड कम्युनिकेशन उपग्रह अपेक्षाकृत छोटे गोलाकार खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं और इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में अनुसरण करते हैं उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष यान से संबंधित हैं जिनमें विविध वैज्ञानिक उपकरण लगे होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं जैसे इन्सेट श्रृंखला जो मौसम और संचार संबंधी सूचनाओं के लिए है सै निष्पतन छोटे करवे कर अच्छा में फल की जो सैयारों के गिर्द इसी तरह घूमते हैं और उन्हीं के साथ सूरज के गिर्द मदारी गर्दिश करते हैं मसलन चांद जमीन का कुदरती स्यारचा है मसनू या इंसानों के जरिए बनाए गए सैरचों का मतलब है खलाई गाड़ियां जिनमें मुख्तलिफ़ुम के साइंसी आलात लगे होते हैं और जिनको मुख्तलिफ मत हासिल करने के लिए जमीन के मदार में रखा जाता है मसलन इनसेट सिलसिले के सैारचे मौसमी मालूमत और तरसील के लिए है पेज 107 हंड्रेड सेवन सैच्युरेशन वन द कंडीशन ऑफ एयर कंटेनिंग मैक्सिमम वॉटर वेपर दैट इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द सैचुरेशन पॉइंट वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर टू द कंडीशन ऑफ रॉक्स वेयर ऑल पोर्स क्रैक्स एंड ज्वाइंट्स आर फिल्ड विद वॉटर टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स होल्डिंग कैपैसिटी संतृप्त करण एक किसी तापमान तथा दबाव में वायु की अधिकतम जलवाष्प धारण करने की क्षमता संतृप्ति बिंदु तापमान तथा दबाव में परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न होता है दो शैलों की वो स्थिति जिसमें इसके सभी छिद्र दरारे तथा संधियां, जोड़ अपनी जल धारण क्षमता की स्थिति तक भर जाते हैं सैरी एक हवा की वो हालत जिसमें सबसे ज्यादा आबी बतना दर्जा हरारत और दबाव पर जज्ब हो सकते हैं दर्जा हरारत और दबाव में तब्दीली के साथ नुक़ सैरी बदलता रहता है दो चट्टानों की वो हालत जब उसके तमाम असाम शिगाफ और जोड़ अपनी जज्बी सलाहियत की हद तक पानी से लबरेज हो जाएं। सवैना द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पासली मिक्सड विथ ट्रीज एकशिया एंड बोएबैब एंड श्रब्स स्पेशली फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका दीज आर फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट्स फाइव डिग्री एंड ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर सिमिलर ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एग्जाम्पल लानोस इन ओरिनोको बेसिन वेनेजुएला एंड कैंपोस ब्राजील सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जिसमें विरल रूप से वृक्ष तथा झाड़ियां कीकर और बैओबाब होती हैं ये विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन तथा मरुस्थल विषुवत रेखा से पांच डिग्री से बीस डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के मध्य में पाए जाते हैं इसी प्रकार के घास स्थल विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं उदाहरण के लिए ओरिनोको बेसन वेनिजेला मिलानोज तथा ब्राजील में कम्पोज सवाना खासतौर से मशरकी अफ्रीका में पाया जाने वाला हरी घास का मैदान जिसमें कहीं कहीं दरख्त कीकर और बबूल और झाड़ियां मिलती हैं यह हारी बारानी जंगलात और रेगिस्तान क़त इस्तवा के पांच डिग्री से बीस डिग्री शुमाल और जनूब के दरमियान पाए जाते हैं दुनिया के दीगर हिस्सों में इसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है मसलन ओरिनोको बेसिन वेनेजुला और ब्राज़ील में कंपोस स्केल द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन अ मैप मापनी या पैमाना धरातल पर किन्हीं दो स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर उन्हीं स्थानों की प्रदर्शित दूरी के मध्य अनुपात पैमाना जमीन पर दो नुकतों के दरमियान की असल दूरी और नक्शे पर इसी दूरी के दरमियान तनासुब स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग वाइडली स्पेस्ट ओवर एंड एक्सटेंसिव एरिया विच आर मोस्टली फाउंड इन हिली फॉरेस्टेड एंड एयरड रीजन्स प्रकीर्ण बस्ती एक विस्तृत क्षेत्र में दूर दूर बिखरे बसाव जो अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों वनों या शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है मुंतशिर बस्ती एक वसी इलाके में फैली हुई रिहाइश जो ज्यादातर पहाड़ी जंगलाती और खुश्क खत्ों में पाई जाती है शिष्ट अ लार्ज ग्रुप ऑफ कोर्स ग्रेन्ड मेटामोफिक रॉक रिच इन फ्लेकी मिनरल्स अलाइंड इन पैरल बैंड्स इट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट और माइका शिस्ट मोटे कणों वाली कायांतरित शैलों का एक विशाल समूह जो पत्र की पपड़ीदार पदार्थों से परिपूर्ण हो तथा समांतर पट्टी में सरेखित हो इनका निर्माण ग्रेनाइट या अभ्रक से भी हो सकता है परतदार चट्टान, पपड़ी वाले मादनियात से भरपूर तह बतह जमे हुए मोटे दानों वाले मुतगैय चट्टानों का बड़ा जुमरा ये ग्रेनाइट या अभ्रक से बन सकता है क्रब अ टाइप ऑफ वेजिटेशन एसोसिएटेड विद पुअर सोइल्स इन सेमी एरिड एनवायरमेंट्स इन विच प्लांट ग्रोथ इज टंटेड और स्पेशली अडेप्टेड टू सीजनल ड्राउट्स एग्जाम्पल ज़ेरोफाइट्स लाइक थॉनी बुशेस, पेज 108, हंड्रेड एक प्रकार की वनस्पति जो अर्धशुष्क पर्यावरण में अनुपजाऊ मिट्टी से संबंधित होती है इसमें पौधों का अवरुद्ध विकास होता है ये मौसमी सूखे से विशेष रूप से अनुकूलन रखती है जैसे मरुद्भिद जैसे कटीली झाड़ियाँ बौनी झाड़ियाँ नीम के इलाकों की कम जरखेज़ मिट्टी में उगने वाले नबातात की एक किस्म जिसमें पौधों की नशोनुमा मौसम खुश्क साली के मवाफ या बौनी होती है मसलन नागफनी जैसी कांटेदार झाड़ियाँ सी अ लार्ज बॉडी ऑफ सेलाइन वॉटर स्मॉलर दैन एन ओशियन एंड इन प्रोक्सिमिटी टू अ कॉन्टिनेंट द टर्म इज आल्सो यूज्ड फॉर लार्ज एंड सलाइन वाटर बॉडीज एग्जाम्पल कैस्पियन सी समुद्र सागर लवणीय जल की विशाल राशि जो एक महासागर से छोटी होती है और महाद्वीप के समीप होती है यह शब्द एक विशाल स्थल से घिरे हुए लवण जल वाले क्षेत्र के लिए भी प्रयुक्त होता है जैसे कैस्पियन सागर समंदर बरे आजम से मुंसलिक नमकीन पानी का आबगीरा जो बहरे आजम से छोटा होता है इस इस्तेह का इस्तेमाल खुश्की से घिरे हुए बड़े नमकीन आबगीरों के लिए भी किया जाता है मसलन कैस्पियन समंदर सी आच

जहाँ तरंगे चट्टानों को काटकर गुहिका कोटर तथा समुद्री गुहा का निर्माण करती हैं ये तब तक इस गुहा को आकार में बड़ा करती रहती हैं जब तक गुहा की छत शेष रहती है जो एक मेहराब की तरह दिखाई देती है समंदरी मेहराब चट्टानी तोदे में एक कुदरती शिगाफ जो अमूमन साहिले समंदर पर नजर आते हैं समंदरी मौजे चट्टानों को काटकर खोखले सुराख और समंदरी गार बना देती हैं इनका साइज बढ़ता रहता है यहां तक कि गार की छत बज जाती है और महराब की तरह दिखाई देती है सी ब्रीज अ लोकल विंड विच ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे स्पेशली इन द आफ्टरनून वेन लैंड बिकम्स रिलेटिवली रेलेटिवली सी दिस रिजल्ट इन लो प्रेशर फॉर्मेशन ओवर लैंड एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द सी समुद्र समीर एक स्थानीय पवन जो दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती है विशेष रूप से दोपहर के समय जब स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है और परिणाम स्वरूप स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है तथा पवन समुद्र से स्थल की ओर बहने लगती है नसीमे बहरी एक मकामी हवा जो दिन में समंदर से जमीन की तरफ चलती है ऐसा खास तौर पर दोपहर के बाद होता है जब जमीन निस्पतन समंदर से ज्यादा गर्म हो जाती है और जमीन पर हवा का दबाव कम हो जाता है जिसकी वजह से हवाएं समंदर से जमीन की तरफ बहती हैं कंटिन्यूस वेव एक्शन ऑन कोस्टल रॉक्स वीकन्स एंड वाइड इट्स क्रैक्स विद टाइम दे बिकम लार्जर होलो इज क्रिएटेड एंड वेन इट ग्रोज इन साइज इट बिकम्स अकेव समुद्री गुहा तटीय चट्टानों पर सागरी तरंगों की लगातार क्रिया इसे कमजोर बनाती है और इसकी दरारों को चौड़ा करती है धीरे धीरे समय के साथ ये दरारें बड़ी हो जाती हैं और एक छिद्र बन जाता है जो आकार में बड़ा होकर एक गुहा बन जाता है समंदरी गार साहिले चट्टानों पर मौजों के लगातार टकराने से चट्टाने कमजोर हो जाती हैं और शिगाफ बनने लगते हैं वक्त के साथ साथ ये शिगाफ चौड़े और साइज में बड़े होते जाते हैं बिलाखिर ये खोखले होकर गार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं सी क्लिफ द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली अब सी वाटर समुद्र भृगु सागरीय जल से ऊपर उठा हुआ लंबवत एक तीव्र ढाल वाला चट्टानी तट पेज 109। समंदरी दीवार या टीला समंदरी पानी से उमूदी तौर पर उठे हुए तेज ढलान का चट्टानी किनारा सीजन अ सब डिविजन ऑफ द ईयर कंसिस्टिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन ड्यूरेशन and intensity of solar radiation accordingly revolution of the earth provides precise duration of four seasons spring 21st march to 21st june summer 22nd june to 23rd september autumn 23rd september to 22nd december and winter 22nd december to 21st march in lower latitudes seasonal variation of temperature and daylight hours is small hence division of year into seasons is quite often linked to farming calendar in mid latitudes four seasons are more clearly recognizable that is spring sowing season summer growing season autumn or fall harvesting season and winter, dormant season. In polar areas, there are only two seasons winter and summer. According to the Indian calendar, there are six seasons Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Shishir, and Hemant. See Revolution of the Earth. Ritu Varshka Upvibhajan. जिसमें एक समयावधि तक समान जल वायविक दशाएं होती हैं जो सौर विकिरण की तीव्रता तथा अवधि पर निर्भर करती हैं पृथ्वी का परिक्रमण चार ऋतुओं की अवधि का निर्धारण करता है वसंत 21 मार्च से 21 जून ग्रीष्म 22 जून से 23 सितंबर शरद पतझड़ 23 सितंबर से 22 दिसंबर तथा शीत 22 दिसंबर से 21 मार्च निम्न अक्षांशों में तापमान तथा दिन के प्रकाश के घंटों में ऋतुवत विभिन्नता कम होती है वर्ष का ऋतुओं में विभाजन प्रायः कृषि कैलेंडर से जुड़ा होता है मध्य अक्षांशों में चार ऋतुएं स्पष्ट रूप से जानी जाती हैं जैसे वसंत बुआई का मौसम ग्रीष्म फसल वृद्धि का मौसम शरद या पतझड़ कटाई का मौसम और शीत प्रसुप्त मौसम ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल दो ऋतुएं होती हैं शीत तथा ग्रीष्म भारतीय कैलेंडर के अनुसार छह ऋतुएं होती हैं वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर तथा हेमंत देखें पृथ्वी का परिक्रमण मौसम आबू आबोहवा के हालात की मुद्दत पर मुश्तमिल एक साल की ज़ेली तकसीम जो आशाई शमसी की शिद्दत और मुद्दत में फ़र्क पर मबनी होता है इस तरह ज़मीन की महवरी गर्दिश से चार मुख्तसर मुद्दतों वाले मौसम होते हैं मौसम बहार 21 मार्च से 21 जून मौसम गर्मा 22 जून से 23 सितंबर, मौसम खजा 23 सितंबर से 22 दिसंबर और मौसम सरमा 22 दिसंबर से 21 मार्च निचले अर्जुल बलदों में मौसमी दर्ज हरारत का इन्राफ और दिन का वक्फा कम होता है इसलिए मौसमों की साल की तकसीम अक्सर जरअी कैलेंडर से मुंसलिक होती है वस्ती अर्जुल बलदों में चार मौसम साफ तौर पर मिलते हैं यानी मौसम बहार फसल बुआई का मौसम मौसम गर्मा फसल उगने और बढ़ने का मौसम मौसम खजा या जवाल फसल काटने का मौसम और मौसम सरमा पॉबीदा मौसम कुतुबी इलाकों में सिर्फ दो मौसम होते हैं मौसम सरमा और मौसम गर्मा हिंदुस्तानी कैलेंडर के मुताबिक छह मौसम हैं बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद शिशर और हेमंत मजीद देखें जमीन की मदारी गर्दिश सीजनल चेंजिंग देर डायरेक्शन विद द चेंज इन सीजन एग्जाम्पल मानसून मौसमी पवने मौसम में बदलाव के अनुसार ये हवाएं अपनी दिशा बदल देती हैं उदाहरण के लिए मॉनसून सीजनल विंड्स मौसमी हवाएं मौसम में तब्दीली के साथ अपनी सिमत बदलने वाली हवाएं मसलन मॉनसून। सेकेंडरी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स by processing primary resources or products as raw materials, example manufacturing. द्वितीय क्रियाएं ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक संसाधनों या उत्पादों जैसे कच्चे माल के प्रक्रमण द्वारा निर्मित पदार्थों में मूल्य अभिवृद्धि से संबंधित होती हैं जैसे विनिर्माण उद्योग सानवी सरगर्मियां वो माशी सरगर्मियां जिनमें इब्ताई वसाइल या पैदावार को खाम माल की हैसियत से इस्तेमाल करके इजाफे कीमत का माल तैयार किया जाता है मसलन मसनुआत साजी सेडेंट्री एग्रीकल्चर सेटल्ड एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस परमानेंटली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड स्थानबद्ध कृषि स्थाई कृषि स्थाई रूप से भूमि के किसी भाग पर की जाने वाली कृषि नशिस्ता जरात एक ही जमीन पर मुस्तकिल तौर पर की जाने वाली जरात का अमल सेडिमेंट्री रॉक्स रॉक्स फॉर्म्ड बाय एक्मुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स डिपॉजिटेड इन ओशन सी लेक्स एट्सेट्रा सेडिमेंट्री रॉक्स आर कैरेक्टराइज बाई बेडिंग प्लेन्स व सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर सीक्वेंस प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट्स आर कॉम्पैक्टेड सीमेंटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स इज कॉल्ड लिथिफिकेशन एग्जाम्पल सैंडस्टोन शेल कॉन्ग्लॉमरेट एटसेट्रा पेज वन हंड्रेड टेन अवसादी चट्टाने शैले महासागरों सागर तल झीलों इत्यादि में प्राचीन शैलों तथा जैविक पदार्थों से निकले अवसाद के जमने से निर्मित शैले अवसादी शैलों की विशेषता संस्तरण तल है जहाँ अवसादों का जमाव परतों के क्रम में होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवसादों की सहति तथा संयोजन अवसादी शैल बनाने के लिए होता है उसे शिली भवन कहते हैं उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर शेल संगुटिका रसूबी चट्टाने बहरे आजमो, समंदरों, झीलों वगैरह में माकबल मौजूद चट्टानों और नामियाती मादों के रसूबों के जमा होने से बनी चट्टाने मफासल पड़ती सतह पर रसूबों का तह बतह जमा होना रसूबी चट्टानों की खसूसियत है जिस अमल के जरिए रसूब आपस में पैवस्त होकर रसूबी चट्टाने बनाते हैं उसे अमले हिजरीत पत्थर बनने का अमल कहते हैं मसलन बलुआ पत्थर स्लेटी पत्थर कॉन्गलोमरेट वगैरह Sediments solid particles and grains of rock materials which have been transported and deposited by agencies such as rivers, glaciers, winds and waves. Sediments include dust, silt, sand, gravels, pebbles, boulders and organic remains. Avasad Thoskan or हिमनद पवन तथा तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और निक्षेपित किए जाते हैं धूल गाद बालू बजरी गुटिका पेबल गोलाश्म जैविक अवशेष आदि अवसाद में सम्मिलित होते हैं रसूबात चट्टानी मादों के ठोस रेजे और दाने जो नदियों ग्लेशियरों हवाओं और मौजों जैसे अवामिल के जरिए लाए और जमा किए जाते हैं रसुबात में धूल गाद रेत बजरी कंकर बड़े गोल पत्थर और नामियाती बाकियात शामिल होते हैं साइजमोग्राफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक साइस्मिक वेव्स सी ऑल्सो अर्थक्वेक भूकंप लेखी यंत्र जो भूकंप भूकंपी तरंगों की तीव्रता और परिमाण को अंकित करता है देखें भूकंप जलजला पैमा वो वाला जो जलजले की लहरों की शिद्दत और कदर का इंदिराज करता है मजीद देखें जलजला सेरिकल्चर कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स ऑन मलबरी एंड अदर सूटेबल प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क रेशम कीट पालन रेशम उत्पादन हेतु शहतूत या अन्य उपयुक्त पौधों पर रेशम के कीड़ों कीट का व्यापारिक स्तर पर पालन पोषण रेशम की काश्तकारी रेशम की पैदावार के लिए शहतूत और दीगर मुनासिब पौधों पर रेशम के कीड़ों को तिजारती तौर पर पालना सेटलमेंट एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ ड्वेलिंग्स रेंजिंग फ्रॉम सिंगल टू अ वेरी लार्ज क्लस्टर बस्ती किसी भी प्रकार के मानव आवास जिसमें घरों की संख्या एक से लेकर बहुत बड़े समूह गुच्छे के आकार की भी हो सकती है बस्ती एक घर से लेकर घरों के बड़े झुंडों पर मुश्तमिल इंसानी मस्कन की कोई भी शक्ल सेक्स रेशियो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स लिंग अनुपात जनसंख्या में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात ये सामान्यतः प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है जिनसी तनासुब आबादी में औरतों की तादाद का मर्दों की तादाद से तनासुब इसे अमूमन फी हजार मर्दों में और तो की तादाद से जाहिर किया जाता है शाफ्ट माइन एन अंडरग्राउंड एक्सकवेशन मेड डीप इन टू दी अर्थ फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल आयरन ओर प्रेशियस स्टोन्स एट्सेट्रा सच माइंस कंटेन वर्टिकल एंड इनक्लाइंट शाफ्ट एंड हॉरिजोंटल टनल्स एट वेरियस लेवल्स कूपक खनन शाफ्ट प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला लौह अयस्क तथा अन्य मूल्यवान पत्थरों इत्यादि का पृथ्वी के अंदर गहरे भागों से निष्कर्षण इस तरह की खानों में विभिन्न स्तरों पर लंबवत और झुकी हुई क्षैतिज सुरंगें होती हैं जमीन दोस्त कान कोयला काम लोहा कीमती पत्थर वगैरह जैसे कुदरती वसाइल को निकालने के लिए जमीन के अंदर गहरी खुदाई करना ऐसी कानों में मुख्तलिफ सतहों पर उमूदी और आड़े तिरछे रास्ते और उफकी सुरंगे होती है शेल अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ फाइन क्ले मटीरियल इट इज कैरेक्टराइज बाय लेमिनेशन दैट इज देयर लेयर्स कैन बी इज़ीली स्प्लिट अपार्ट शेल अवसादी शैल जो चीका पदार्थों के निक्षेपण से बनती हैं। इसकी विशेषता पटलन स्तरीकायन है अर्थात इसकी परतों को आसानी से अलग किया जा सकता है स्लेटी चट्टान बारीक चिकनी मिट्टी के मादों के जमाव से बनी एक किस्म की रसूबी चट्टान ये तहदार होती है और इसकी परत को आसानी से अलग किया जा सकता है पेज 111, हंड्रेड शीप स्टेशन वेरी लार्ज फार्म वे शीप आर रेयर्ड इन अटिफिक मैनर मेनली फॉर वूल मेष केंद्र बहुत बड़े फार्म जहाँ विशेष रूप से ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों का पालन पोषण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है भेड़ स्टेशन भेड़ों का एक बहुत बड़ा फार्म जहाँ खासकर ऊन के लिए भेड़ों की परवरिश साइंसी तरीके से की जाती है शीट इरोजन अ फॉर्म ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय ओवर एंड फ्लो ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन टू रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ स्लोप इरोजन एसोसिएटेड विद रिल्स एंड गलीज परत अपर्दन एक प्रकार का अपर्दन जिसके कारण धरातल पर जल के बहाव द्वारा मृदा की ऊपरी परत हट जाती है यह केंद्रित रूप से ढाल पर होने वाले अपर्दन से भिन्न होती है जो क्षुद्र सरिता एवं अवनालिकाओं से संबंधित होती है चादरी कटाव जमीन के ऊपर पानी के बहाव से कटाव की एक शक्ल जिसके नतीजे में मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है ये यकजाई ढलानी कटाव की शक्ल से मुख्तलिफ है जिसमें पतली नालियां और नाले बनते हैं शेल्टर बेल्ट्स रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड along फील्ड्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स टू चेक द soil erosion बाय रिस्ट्रिक्टिंग द strong विंड मूवमेंट रक्षक मेखला तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा को अपर्दन से बचाने के लिए तथा उन क्षेत्रों में तीव्र पवन प्रवाह को रोकने के लिए वृक्षों को पंक्तियों में लगाना हिफाजती पट्टियां साहिली और खुश्क इलाकों में तेज तुंद हवाओं से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए दरख्तों की कतारें लगाई जाती हैं। शोर, द लैंड एडज्वाइनिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर लाइक लेक और सी एक्सटेंडिंग अप टू क्लिफ लाइन और कोस्टल ड्यून्स तट विशालकाय जल क्षेत्र जैसे झील अथवा समुद्र से सटी हुई भूमि जो भृगु रेखा अथवा तटीय टिब्बों तक विस्तृत होती है किनारा झील या समंदर जैसे बड़े आबगीरा के आसपास की जमीन जो क्लिफ लाइन या साहिली टीले तक फैली होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन इट इज अ प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इट इज प्रैक्टिस्ड बाय क्लियरिंग द वेजिटेशन कवर ऑफ अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड by slash and burn the cultivation continues until the soil nutrients are exhausted the group then moves and clears a fresh piece of land for cultivation leaving abandoned land for natural growth of vegetation it is also known as jhum or slash and burn agriculture sthanantri krishi ya kheti यह विस्तृत निर्वाह कृषि का आदिम रूप है यह किसी भूमि के छोटे भाग पर करतन एवं दहन द्वारा वनस्पति आवरण को साफ करके की जाती है यह कृषि तब तक की जाती है जब तक मृदा के पोषक तत्व समाप्त नहीं हो जाते लोगों का समूह तब वहां से चला जाता है और किसी दूसरे नई भूमि के टुकड़े को कृषि के लिए साफ करता है और वह पिछली भूमि वनस्पतियों की प्राकृतिक वृद्धि के लिए खुली छोड़ दी जाती है इस प्रकार की कृषि को झूम या करतन एवं दहन कृषि भी कहते हैं मुंतकली जरात या काश्त ये तो गुजारनी ज़रात की इब्तदाई शक्ल है ये ज़रात एक छोटे कित्ते ज़मीन पर काटो और जलाओ तरीके से जंगल साफ करके की जाती है मिट्टी की जरखेजी खत्म होने तक काश्तकारी होती रहती है फिर लोग इसे छोड़कर नए जमीन को काश्त के लिए साफ करते हैं ताकि छोड़ी हुई जमीन पर कुदरती नवातात की नशोनुमा हो सके और जरखेजी लौट आए इसे झूम या काटो और जलाओ जरात भी कहते हैं शिवालिक हिल्स द आउटर मोस्टन मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज एक्सटेंड ओवर विथ्थ ऑफ टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर द इन एल्टीट्यूड बिटवीन 900 हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड मीटर्स दीज आर कंपोज ऑफ अनकंसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स शिवालिक पहाड़ियां हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणतम श्रृंखला जिसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर में तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है ये पहाड़ियां असंगठित अवसादों से निर्मित हैं शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का सबसे बाहरी या सबसे जुनूबी सिलसिला जिसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तक और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक होती है ये गैर पैवस्था रसूबों से बनती है सीएल इट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज लार्जली ग्रेनाइटिक इन नेचर इट इज मेनली कंपोज ऑफ सिलिका एस आई and aluminium (AI) minerals. मिनरल्स it is called CL. CL। यह महाद्वीपीय परपटी है जो अधिकांशतः ग्रेनाइट से बनी होती है यह मुख्यतः सिलिका एस SI, और एल्यूमिनियम ए एल खनिजों से बनी होती है इसलिए इसे सीएल कहते हैं पेज 112। हंड्रेड ट्वेल्व बर आजमी कशर है जो अपनी फितरत में ज्यादातर ग्रेनाइट है ये खासकर सिलिका (Si) और अल्मूनियम ए एल मादनियात से बनी है इसलिए इसे सियाल कहा जाता है सिलिका सिलिकन डाइऑक्साइड एस आई ओ टू अ सिलिकन ऑक्सीजन कंपाउंड ऑल्सो नोन एज क्वार्ट्स इट कम्प्राइजेज फिफ्टी नाइन परसेंट ऑफ क्रस्ट सिलिका सिलिकन डाइऑक्साइड एस आईओटू ये एक सिलिकन ऑक्सीजन का संयोजन कंपाउंड है जो स्फटिक के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी की भूपर का उनसठ प्रतिशत इसी से बना हुआ है सिलिका सिलिकन डाईऑक्साइड यानी एस आई ओ टू सिलिका और ऑक्सीजन के मुरक्ब को संगे मुर्दा यानी क्वार्ट्स भी कहा जाता है कशरे अर्ज में इसका हिस्सा उनसठ फीसद है सिल्ट फाइन मिनरल पार्टिकल्स हैविंग ग्रेन साइज वेरिंग बिटवीन जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एंड जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मिलीमीटर इन डायामीटर इट इज कोर्सर दैन क्ले बट फाइनर दैन सैंड गाद, सूक्ष्म खनिज कण जिनका आकार शून्य दशमलव शून्य शून्य दो से शून्य दशमलव शून्य छह मिलीमीटर व्यास के बीच होता है यह चीका से स्थूल लेकिन बालू से सूक्ष्म होते हैं गाद। बारीक मादनी जर्रात जिनके दाने के कतर का साइज सिफर आशारिया सिफर सिफर दो मिलीमीटर से सिफर आशारिया सिफर छह मिलीमीटर के दरमियान रहता है ये चिकनी मिट्टी से मोटा लेकिन रेत से बारीक होता है साइमा इट इज दी ओशियनिक क्रस्ट विच इज लार्जली बेसोल्टिक इन नेचर इट इज मेनली कंपोस्ट ऑफ मटेरियल्स रिच इन सिलिका (Si) एंड मैग्नीशियम (Mg)। दस इट इज कॉल्ड साइमा सिमई यह समुद्री परपटी है जो अधिकांशतः बेसोल्ट से बनी होती है यह मुख्यतः उन पदार्थों से बनी है जो सिलिका एस SI, और मैग्नीशियम एम ए से परिपूर्ण होती हैं इसलिए इसे सिमई कहते हैं सीमा ये बहरे आजमी कशरे अर्ज है जो अमूमन अपनी फितरत में बिस्ॉल्ट है ये खास तौर से सिलिका एस SI, आई और मैग्नीशियम एम ए मादों से बना है इसलिए इसे सीमा कहते हैं साइट इट इज एप्सोल्यूट लोकेशन इन रिलेशन टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड स्थान या स्थल यह अक्षांश एवं दिशांतर के संबंध में एक स्थल है जगह या साइट ये बुलंदी और अर्जुल बलद के ताल्लुक से मुताल वकू है स्केच अ रफ ड्रॉइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन एरिया बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल आर एक स्मृति अथवा प्रेक्षण के आधार पर बिना किसी मापक के वस्तु अथवा क्षेत्र का कच्चा रेखांकन खाका किसी शह या इलाके की ना तमाम खाका कशी जो यादाश्त और जगह के मुशाहिदे पर मबनी होता है और पैमाने के मुताबिक नहीं होता है स्काई स्क्रेपर्स अ ग्रुप ऑफ वेरी हाई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स फॉर्मिंग अ स्काईलाइन गगनचुंबी भवन बहुत ऊंचे बहुमंजिला भवनों का समूह जो एक क्षितिज रेखा बनाते हैं फलक बोस इमारतें बहुत ही ऊंची कसीर मंजिला इमारतों का झुंड जो फलक की खत बनाती हैं स्लैश एंड बर्न अ मेथड ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग डाउन बुशेस एंड ट्रीज एंड बर्निंग दम The ashes are mixed in the soil. See also shifting agriculture. कर्तन एवं दहन कृषि करने की एक विधि जिसमें भूमि के एक टुकड़े से वृक्षों और झाड़ियों को काटकर तथा उनको जलाकर साफ किया जाता है राख को मृदा के साथ मिला दिया जाता है देखें स्थानांतरी कृषि काटो और जलाओ जमीनी काश्त का वो तरीका जिसमें एक तय जमीन के दरख्तों और झाड़ियों को काट कर जलाकर साफ कर लिया जाता है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है मजीद देखें मुंतकली जरात स्लम एन एरिया ऑफ अनप्लान्ड, अनऑथराइज्ड कॉलोनी कैरेक्टराइज बाय ओवर क्राउडिंग पोअर हाउसिंग एंड लैकिंग सैनिटेशन वाटर एंड अदर बेसिक एम्यूनिटीज पेज वन हंड्रेड थर्टीन गंदी बस्ती एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अनियोजित तथा अनाधिकृत बस्ती हो जिसमें अति संकुलता अत्यधिक भीड़ घरों की खराब व्यवस्था जैसे साफ सफाई जल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी होती है गंदी बस्ती गैर मनसूबाबंद नाजायज कॉलोनियों का इलाका जिसकी खसूसियात में भीड़ भाड़ और नाकस रिहाइश झुग्गी झोपड़ी शामिल है और इनमें सेहत व सफाई पानी और दीगर बुनियादी सहूलतों की कमी होती है स्मॉल स्केल मैप मैप शोइंग लार्ज एरियाज लाइक कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स विद लेस डिटेल एग्जाम्पल वॉल मैप्स एंड एटलस छोटे पैमाने का मानचित्र मानचित्र जो बड़े क्षेत्र जैसे देश अथवा महाद्वीपों को कम विवरण के साथ दर्शाते हैं उदाहरण के लिए दीवार मानचित्र तथा एटलस छोटे पैमाने का नक्शा वो नक्शे जो मुमालिक या बड़े आजमों जैसे बड़े इलाके को कम तफसील के साथ दिखाते हैं जैसे दीवारी नक्शे और एटलस स्मॉग एयर पोल्यूशन caused by combined स्मोक एंड फॉग is कॉल्ड smog. इट हैज हेवी concentration ऑफ सस्पेंडेड particulate matter, SPM। धूम धुएं और कुहरे के सम्मिलित प्रभाव के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को धूम कहा जाता है इसमें निलंबित पदार्थ कणों एसपीएम का भारी संकेंद्रण होता है दुखानी कोहरा धुआं और कोहरे के मिलने की वजह से होने वाली फिजाई आलूदगी को दुखानी कोहरा कहते हैं इसमें ठोस मोल बारीक जर्रात कसरत से पाए जाते हैं स्नो वन ऑफ द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्नो फ्लेक्स एंड माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स हिम वर्षण का एक ठोस रूप जिसमें हिमतूल तथा छोटे बर्फ के कण होते हैं बर्फ तरसीब की ठोस शक्ल जिसमें बर्फ के गोले और बारीक बिलौरी रेजे शामिल होते हैं स्नोलाइन एल्टीट्यूड और लेवल अबव विच देर इज अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो ऑन लैंड हिमरेखा भूपृष्ठ की वो तुंगता ऊंचाई या स्तर जिसके ऊपर स्थायी रूप से हिम का आवरण रहता है खते बर्फ जमीन की वो बुलंदी या सतह जिसके ऊपर हमेशा बर्फ का गलाव जमा रहता है सॉइल नेचुरली अकरिंग सर्फेस लेयर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड रॉक्स मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मृदा पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से निर्मित सतह जो संगठित शैलों खनिजों जैविक पदार्थों और नमी से बनी होती है यह पौधों की वृद्धि में सहायक होती है मिट्टी, जमीन की वो कुदरती परत जो गैर पैवस्ता चट्टानों मादनियात नामियाती मादों और नमी से बनी है ये पेड़ पौधों की नशो में मुआविन होती है सॉयल इरोजन द रिमूवल ऑफ सॉइल स्पेशली ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल आई द नेचुरली बाय विंड एंड वॉटर और एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन लाइक ओवरग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन मृदा अपर्दन मृदा का पृथककरण विशेष रूप से मृदा की उपजाऊ ऊपरी परत का प्राकृतिक कारणों से हटना जैसे पवन और जल या मानव क्रियाओं द्वारा जैसे अतिचारण या वनों का कटाव मिट्टी कटाव खसूसी तौर पर सबसे ऊपर जरखेजी मिट्टी का कटाव जो कुदरती तरीके से हो और पानी के जरिए या इंसानी अमल जैसे ज्यादा चराई और जंगलों की कटाई के नतीजे में होता है सॉइल प्रोफाइल अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉयल फ्रॉम द सर्फेस टू द बेड रॉक रिवीलिंग लेयर्स और होराइजन्स मृदा परिच्छेदिका धरातल की सतह से शैल संस्तर तक मृदा की लंबवत काट जो परतों या क्षैतिज संस्तर को प्रदर्शित करती है मिट्टी नीम रुख सतह से फर्शी चट्टान तक मिट्टी का अमूदी हिस्सा जो मुख्तलिफ उफकों और परतों को जाहिर करता है पेज 114 सोलर एनर्जी द सन्स एनर्जी रेडिएटेड एज हीट एंड लाइट विच रीच दर्थ सर्फिस अ पोर्शन ऑफ दिस एनर्जी इज कलेक्टेड एंड कन्वर्टेड बाय सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का विकिरण जैसे ऊष्मा तथा प्रकाश जो भूपृष्ठ पर पहुंचता है इस ऊर्जा का कुछ भाग सौर पैनलों द्वारा एकत्रित एक करके विद्युत उत्पन्न करने के लिए परिवर्तित कर दिया जाता है शमसी तवनाई, सूरज की तवनाई, शुआई अमल के जरिए गर्मी और रोशनी की शक्ल में निकलती और सतह जमीन तक पहुंचती है शमसी पैनलों के जरिए इस तवनाई का कुछ हिस्सा जमा करके और तब्दील करके बिजली पैदा की जाती है सोलर सिस्टम सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन फैमिली ऑफ द सन कंप्राइजेज द सन एट प्लैनेट्स सैटेलाइट एंड अदर सिलेस्टियल बॉडीज सच एज एस्टेराइड विच रिवॉल्व अराउंड द सन सौर तंत्र सौर का अर्थ है जो सूर्य से संबंधित हो सूर्य के परिवार में सूर्य आठ ग्रह उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सम्मिलित होते हैं निजामी शमसी शमसी का मतलब सूरज से मुतल है सूरज के खानदान में सूरज आठ सैयारे, सैयारचे और साकिब जैसे दीकर फलकी अत्साम होते हैं जो सूरज के चारों तरफ गर्दिश करते हैं सोलर विंड अट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स एमिटेड इन स्पेस बाय द सन समीज पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू कम आउट ऑफ द सन ग्रेविटी एंड दे रीच द अर्थ्स एटमोस्फेयर दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ओरोज सौर पवन सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित आवेशित कणों की एक धारा इनमें से कुछ कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं ये ध्रुवीय ज्योति के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शमसी हवा सूरज के जरिए खला में खारिज किए गए चार शुदा जर्रात की रौ या धारा इनमें से कुछ जर्रात में इतनी तवनाई होती है कि वो सूरज की कुवते कशिश से निकल आते हैं और जमीन के कुर्रे हवा में पहुंच जाते हैं रोशनी की तश्कील में इनका अहम किरदार होता है सदन ऑसिलेशन एसओ इन एटमोस्फियरिक साइंस ऑसिलेशन रिफर्स टू एनी साइक्लिक वेरिएशन ऑफ अ क्लाइमेटिक एलिमेंट अबव और बिलो इट्स मीन वैल्यू सदन ऑसिलेशन ओवर द सदन ओशंस इज चेंज इन प्रेशर कंडीशंस पीरियोडिकली टू टू थ्री ईयर्स विच अफेक्ट्स मॉनसून नेचुरली ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस इज हाई प्रेशर एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन हैज लो प्रेशर दक्षिणी दोलन वायुमंडलीय विज्ञान में दोलन का संबंध जलवायु के तत्वों के औसत मान से ऊपर या नीचे होने की स्थिति में चक्रीय विभिन्नता से है यह दक्षिणी महासागरों में दबाव की स्थिति में एक अवधि में दो से तीन वर्ष में आने वाला परिवर्तन है जो मानसून को प्रभावित करता है प्राकृतिक रूप से उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में उच्च दाब तथा पूर्वी हिंद महासागर में निम्न दाब का अनुभव किया जाता है इत्याश। इतिहास उलोम में इत्याश का मतलब है किसी भी आबो हवाई अंसुर की अपनी औसत कदर से ऊपर या नीचे की तरफ दौरी तब्दीली जनूब इर्त्याश, जनूबी बहरे आजमों पर हवाई दबाव की हालतों की मियादी तब्दीली दो से तीन साल में है जो मानसून को मुतासर करती है कुदरती तौर पर हारी जनूबी क़ाहिल में हवा का दबाव ज्यादा और हारी मशरक़ी बहरे हिंद में कम होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन ऑफ अ फीचर ऑफ फिन ओवर स्पेस स्थानिक किसी क्षेत्र में किसी लक्षण या परिघटना का भौगोलिक वितरण या स्थिति मकानी किसी जगह पर खदोखाल या मजहर का महले वकू या जोग्राफियाई तकसीम स्प्रिंग स्प्रिंग्स आर प्लेसेस वेर अ फ्लो ऑफ वाटर राइजेस टू द सरफेस थ्रू नेचुरल रॉक ओपनिंग अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर फ्रॉम द डेप्थ झरना चट्टानी दरारों एवं छिद्रों से जलीय दबाव के कारण भूमिगत जल के धरातल पर स्वतः निकलने को झरना कहते हैं चश्मे चश्मे ऐसे मकामात पर पाए जाते हैं जहाँ जमीन की गहराइयों से आबी दाब के तहत पानी एक कुदरती चट्टान के दहाने से सतह जमीन पर फव्वारे की शक्ल में उबल पड़ता है पेज 115 स्टैक्स an offshore पिलर ऑफ of रॉक which has बीन सेपरेटेड फ्रॉम द nearby coast कोस्ट erosional action एक्शन ऑफ वेव्स स्टैक तट से दूर शैल का एक खंभा जो सागरीय तरंगों की अपर्दनकारी क्रियाओं द्वारा तट से अलग कर दिया गया हो सुतून समंदर से मनतका चट्टान का सुतून जो करीबी साहिली लहरों के कटाव के अमल से अलग हो गया हो stalactites and stalagmites depositional features associated with the limestone region a stalactite is a tapering pendant like depositional feature that grows from the ceiling of a limestone cave as dripping water leaves behind a limestone deposit a stalagmite is formed when the water drips to the floor of the cave and limestone formation grows from the floor stalactite or stalagmite निक्षेपण से संबंधित आकृतियाँ जो चूना पत्थर प्रदेश से संबंधित होती हैं स्टेलेक्टाइट एक शुंडाकार पेंडेंट लटकता हुआ की तरह की निक्षेपित आकृति होती है जो चूना पत्थर गुहा की छत से नीचे की ओर बढ़ती जाती है छत से टपकता हुआ जल अपने पीछे चूना पत्थर का निक्षेपण कर देता है जब गुहा की छत से पानी टपकता है तब चूना पत्थर का जमाव फर्श से ऊपर की ओर उठता है इसे स्टेलगमाइट कहते हैं चूना पत्थर खत्ते में बनी रसूबी शक्लें स्टेल जटा की तरह लटकी हुई रसूबी शक्ल है जो चूना पत्थर के गार की छत से टपकते पानी के छोड़े हुए चूने के जमाव से बढ़ती जाती है स्टेलग्माइट उस वक्त बनता है जब पानी गार के फर्श पर टपकता है और चूना पत्थर की बनावट फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ती है स्टैंडर्ड डिविएशन sd an एन measure मेजर ऑफ it इट square स्क्वेयर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वेयर from फ्रॉम द मीन कार्ल introduced the द टर्म इन using the symbol यूजिंग द सिग्मा मानक विचलन प्रकीर्णन का निरपेक्ष मापन यह माध्य से वर्ग विचलनों के माध्य का वर्गमूल है अठारह में इस शब्द का प्रयोग कार्ल पियर्सन ने सिग्मा चिन्ह के साथ किया था इंतिशार की एक मुतलक पैमाइश ये औसत से मुरब्बा इहराफों के औसत का जजरुल मुरबा है अठारह में सिग्मा निशान का इस्तेमाल करके कार्ल पियर्सन ने इस असलाह का तारुफ कराया स्टार A vast ball of gas glowing with radiant energy produced by nuclear fusion taking place in its core it has its own heat and light example the sun तारा एक अति विशाल गैस का गोला जो विकृत ऊर्जा से चमकता है यह ऊर्जा इसके क्रोड में होने वाले नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उदाहरण के लिए सूर्य सितारा गैस का बड़ा गोला जो अपने कल्ब में न्यूक्लियाई इम्तजाज से पैदाशुदा शुआई तवानाई से चमकता है इसकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है मसलन सूरज स्टावेशन एन एक्यूट कंडीशन ऑफ हंगर विच कैन बी फेटल भूखमरी भूख की अतिशयता की वह स्थिति जो घातक हो सकती है पेज 116। फाकाकशी फाका कशी भूख की शदीद हालत जो जानलेवा हो सकती है स्टेपी एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड एशिया इन विच ट्रीज एंड श्रब्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाय हॉट समर्स कोल्ड विंटर्स एंड रेलेटिवली लो रेनफॉल फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव मिलीमीटर अकरिंग मेनली इन स्प्रिंग एंड समर इन ह्यूमिड पार्ट्स ग्रासीज ग्रो टू मीटर और मोर इन हाइट सिमिलर टू प्रेरीज स्टेपी पूर्वी यूरोप और एशिया महाद्वीप के आंतरिक भागों में मध्य अक्षांसीय घास के मैदान का एक विस्तृत क्षेत्र जहां वृक्ष और झाड़ी नहीं मिलते हैं यहाँ की जलवायु की विशेषताएं ऊष्ण ग्रीष्मकाल ठंडा शीतकाल और अपेक्षाकृत न्यून वर्षा (50 से 75 मिलीमीटर जो मुख्यतः वसंत एवं ग्रीष्म में होती है आर्द्र भागों में इन घासों की वृद्धि एक मीटर या उससे अधिक हो सकती है प्रेरी के समान स्टेपी मशरकी यूरोप और एशिया के बरआजी अंदरून में वस्ती अर्जुल बलत पर घास के मैदानों का वसी इलाका जिसमें दरख्त और झाड़ियां तकरीबन गायब रहती हैं गर्म मौसम में गर्मा सर्द मौसम में सरमा और निस्पतन कम बारिश 50 से 75 मिलीमीटर जो खसूस तौर पर मौसम बहार और मौसम गर्मा में होती है यहाँ की आबोहवा की खसूसियत है मरतूब हिस्सों में घास की ऊंचाई प्रेरीस की तरह मीटर या इससे ज्यादा होती है स्टॉक मटेरियल्स ऑफ द एनवायरमेंट हैविंग पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but as the टेक्नोलॉजी appropriate फॉर इट्स यूज इज नॉट अवेलेबल are called स्टॉक स्टॉक पर्यावरण के पदार्थ जिनमें मानव की आवश्यकताओं को तृप्त करने की संभाव्यता संभावनाएं होती हैं लेकिन तकनीक उपलब्ध ना होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो पाता है अतः ये स्टॉक कहलाते हैं जखीरा माहौल के वो मादे जिनमें इंसानी जरूरियात को पूरा करने की सलाहियत तो है लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जखीरा कहलाते हैं स्टॉम अर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस विद फेयर्स विंड्स ऑफन अड बाय रेनफॉल झंझावात तूफान प्रचंड वायुमंडलीय विक्षोभ जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा भी होती है तूफान एक शदीद कुर्रे हवाई खलल जिसमें तेज तुंद हवाओं के साथ अक्सर भारी बारिश होती है स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स ग्रे एंड और व्हाइट लो क्लाउड्स सीन एज पैचेस शीट्स वर द स्काय सी ऑल्सो क्लाउड्स स्तरी कपासी मेघ धब्बे चादर या परतों जैसे दिखने वाले स्लेटी या सफेद निम्न बादल जो आकाश को ढके रहते हैं देखें मेघ चादरी अंबारी बादल पैवंदो चादरों या परतों की तरह दिखाई देने वाले भूरे और या सफेद कम ऊंचाई वाले बादल जो आसमान को ढके रहते हैं मजीद देखें बादल स्ट्रेटोपोज अ ट्रांजिशन जोन इन दर्थ एटमोस्फेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फियर इट इज एन आइसोथर्मल लेयर समताप सीमा यह पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल तथा मध्यमंडल के बीच का संक्रमण क्षेत्र है यह एक समतापी परत है कुर्रय कायमा साक्ता जमीन के कुर्र हवा में कुर्र कायमा और कुर्र मुतवस्ता के दरमियान एक पबूरी मुंतका ये यक्षा हरारत वाली तबक है स्ट्रेटोस्फियर द स्टेबल लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इमीडिएटली द द्रोपोस्फेयर Extending beyond tropopause up to the height of 50 km from the Earth's surface. In this layer, temperature increases with altitude to about 0 degrees Celsius. In the lower part of this layer, ozone is found in substantial quantity, which limits the intensity of ultraviolet radiation from the sun. Weather phenomena are absent in this layer. See also Atmosphere. मंडल यह वायुमंडल की एक स्थिर परत है जो क्षोभमंडल के ठीक ऊपर क्षोभ सीमा से ऊपर पृथ्वी के धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है इस परत में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ लगभग शून्य डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता जाता है इस परत के निम्न भाग में ओजोन पर्याप्त मात्रा में होती है जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण की तीव्रता को रोकती है इस परत में मौसमी परिघटनाएं अनुपस्थित होती हैं देखें वायुमंडल कुर्रतगैयरा साक्ता कुर्रे हवा की साकिन परत जो कुर्रे मुतगैयरा के ठीक ऊपर कुर्रे मतगैयरा सागता के बाद सतह जमीन से 50 किलोमीटर की बुलंदी तक फैली है इस परत में दर्जाए हरारत बुलंदी के साथ साथ तकरीबन सिफर डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता जाता है इस परत के निचले हिस्से में ओजोन काफी मकदार में पाई जाती है जो सूरत से आने वाली बाला बनफी शुआओं की शिद्दत को कम कर देती है इस परत में मौसमी मजाहिर नहीं पाए जाते मजीद देखें कुर्रे हवा स्ट्रीम अ लॉन्ग नैरो बॉडी ऑफ फ्लोइंग वॉटर इन अ चैनल विच मूव्स डाउन स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी धारा बहते हुए जल की एक लंबी और पतली वाहिका जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल से नीचे की ओर बहती है चश्मा नाले में बहते हुए पानी की तंग लंबी आबि जो कुत कशिश की वजह से नीचे ढलानों से बहती है सब कॉन्टिनेंट बिग लैंड मैस विच स्टैंड आउट एज अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इट इज यूजुअली सेपरेटेड बाय अ बैरियर एग्जाम्पल इंडियन सबकॉन्टिनेंट सेपरेटेड बाय हिमालय पेज 116 उपमहाद्वीप महाद्वीप का एक विशाल भूखंड जो शेष महाद्वीप से भिन्न एक भौगोलिक इकाई के रूप में प्रतीत होता है यह सामान्यतः एक अवरोधक द्वारा अलग होता है उदाहरण के लिए भारतीय महाद्वीप हिमालय द्वारा शेष महाद्वीप से अलग होता है बर्र सग़ीर जमीन का एक बड़ा खत् जो बाकी आज़म से अलग एक मुमताज़ जोग्राफियाई इकाई हो ये आमतौर पर किसी रुकावट से अलग होता है मसलन बर्र सग़ीर हिंद हिमालय की वजह से अलग होता है सबमरीन कैनियन नेरो डीप डिप्रेशन इन दी फ्लोर विद स्टीप स्लोप्स यूजुअली फाउंड नियर द कोस्ट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप अंत समुद्रीय कैनियन सागरीय सतह पर तीव्र ढालों वाला एक सकरा तथा गहरा खड्ड यह सामान्यतः तट के समीप महाद्वीपीय शेल्फ तथा महाद्वीपीय ढाल पर पाए जाते हैं जेरे समंदर खाई समंदरी फर्श पर तेज ढलान का तंग गहरा था। ये आमतौर पर बर आजमी शेल्फ और बर आजमी ढलानों के किनारों पर पाया जाता है सब्सिडेंस वन इन एटमोस्फियरिक साइंसेज इट रिफर्स टू जनरल सिंकिंग और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर ओवर अ लार्ज एरिया प्रोड्यूसिंग हाई प्रेशर एंड डाइवर्जेंस नियर द सर्फिस टू इन जियोलॉजी इट रिफर्स टू द सिंकिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ लैंड अवतलन एक वायुमंडलीय विज्ञान में इसका संबंध वायु के सामान्य अव प्रवाह धंसने के एक विशाल स्रोत या ढाल की ओर चलने से है जो धरातल के समीप उच्च दाब बनाती है और धरातल के समीप बिखर जाती है दो भूविज्ञान में इसका संबंध भूमि के निचले भाग का निमज्जन धसना है धसाओ एक कुर्रे हवाई उलूम में इसका मतलब है एक बड़े इलाके पर हवा का नीचे की तरफ बतदरीज उतरना सतह जमीन के नजदीक हवा का ऊंचा दबाव बनना और इंतजार पैदा होना दो अर्जियात में इससे मुराद जमीन के एक हिस्से का नीचे धस जाना है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अ टाइप ऑफ फार्मिंग कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बेसिकली टू सेटिस्फाई द फूड एंड सस्टेनेंस ऑफ द फार्मर एंड हिज फैमिली द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड लोकली एंड डज नॉट एंटर द मार्केट निर्वाहक कृषि एक प्रकार की कृषि जिसका संबंध फसलों के उत्पादन से है जो मुख्यतः कृषक तथा उसके परिवार की भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए तथा जीवन को बनाए रखने के लिए होता है उत्पाद स्थानीय स्तर पर उपभोग कर लिया जाता है यह बाज़ार में बिकने के लिए नहीं जाता गुजरानी जरात फसलों की पैदावार से मुताक ज़रात की एक किस्म जो बुनियादी तौर पर काश्तकार और उसके खानदान की तशफी बख्श गज़ा और गुसर बसर करने के लिए की जाती है पैदावार मकामी तौर पर इस्तेमाल कर ली जाती है और बाजार में नहीं लाई जाती। जातीस फ्लो मूवमेंट ऑफ वॉटर बिलो द अर्थ सर्फिस अधल प्रवाह पृथ्वी के धरातल के नीचे जल का प्रवाह जीरे जमीन बहाव सतह जमीन के नीचे पानी का बहाव सब ट्रॉपिकल स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम्स लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर ट्वेंटी सेवन डिग्री टू थर्टी डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स उपोषण कटिबंधीय जेट धारा जेट धारा जो लगभग सत्ताईस डिग्री से तीस डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के ऊपर पाई जाती है नीमहारी जेट स्ट्रीम शुमाल और जनूब अर्जुल बलदों में तकरीबन सत्ताईस डिग्री से डिग्री के दरमियान वाके जेट स्ट्रीम सबवेज रोड्स पाथ्स बिल्ट अंडरग्राउंड अधोमार्ग या सुरंग पथ भूमिगत निर्मित रास्ते एवं सड़कें जेरी रास्ता जमीन दोज बनी हुई सड़कें रास्ते समर सोलस्टीज पोजिशन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द सन ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून वेन द सन्ेज आ वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दन हेमिस्फेयर ड्यू टू दर्थ स्टिल्ड टुअर्ड्स द सन ग्रीष्म अयन इक्कीस जून को सूर्य से संबंधित पृथ्वी की स्थिति ऐसा तब होता है जब पृथ्वी के सूर्य की ओर झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्कवृत्त साढ़े तेईस डिग्री उत्तर पर लंबवत होती हैं रासुल सरतान 21 जून को सूरज के ताल्लुक से जमीन का मकाम जब शुमाली नस्फ कुर्रे में सूरज की तरफ जमीन के झुकाव की वजह से सूरज की किरणें खत सरतान साढ़े तेईस डिग्री शुमाल पर सीधी पड़ती हैं सन द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम अराउंड विच ऑल प्लैनेट्स अलोंग विद सेटेलाइट रिवॉल्व सी ऑल्सो सोलर सिस्टम सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा जिसके चारों ओर सभी ग्रह अपने उपग्रहों सहित चक्कर लगाते हैं देखें मंडल, सूरज निजामे शमसी के मरकज का वो सितारा जिसके चारों तरफ तमाम सैयारे अपने सैयार्चों के साथ गर्दिश करते हैं मजीद देखें निजाम शमसी पेज 118। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन ब्रंट लैंड कमीशन रिपोर्ट सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी के साथ इस ढंग से उपयोग जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट पाएदार तरक्की वसाइल का इस तरह मोहतात इस्तेमाल करना कि मौजूदा ज़रूरियात की तकमील के अलावा आइंदा नस्लों की भी जरूरियात पूरी हो सके सिंक्लाइन अबेसनशेप डाउनफोल्ड इन विच बेडिंग प्लेन ऑफ रॉक्स डिप टूवर्ड्स ईच अदर सी ऑल्सो एंटीक्लाइन अभिनती एक द्रोणी बेसिन के आकार का नत घुमा मोड़ जिसमें शैलों के संस्तरण तल एक दूसरे की ओर झुके होते हैं देखें अपनती सिंक्लाइन तासी मोड़ तास नुमा जेरी मोड़ जिसमें चट्टानों की फर्शी सतह एक दूसरे की तरफ झुक जाती है मजीद देखें मेहराबी उभार लेटर ऑफ ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफी फॉर स्कूल एंड रेड बाय नीरज यादव एंड सुम्बुल शकील यू एर जस्ट लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर सबिता सिन्हा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉक्टर भारती कौशिक Technical Coordination, Bhatilang Lingdo. Framework Advice, Ajit Horo. Assistance in Production, Kusum Lata. Produced and Directed by Vandana Arimardan. And this presentation is brought to you by CIET, NCERT, New Delhi, India.